नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज में हम बात करेंगे, मैं आपको दो स्टॉक्स के आज एनालिसिस करके बताऊंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कि जो है टेक्निकल एनालिसिस को कैसे ड्रॉ किया जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होते हैं और ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे ड्रॉ होती है, किस तरह से ब्रेकआउट होता है और किस तरह से हमने ट्रेड लेना होता है। आज मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा जिससे आपको जो है एंट्री लेने में और जो है किसी भी स्टॉक के एनालिसिस करने में बहुत मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो है मैंने खोल रखा है बजाज फिंसर्व का चार्ट है। तो आइए अब हम इसमें हम जो है अपना स्टॉक एनालिसिस आपको करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, अब मैं आपको शुरू से ए टू जेड में आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, हम जो अपना सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो जैसे मैं ज्यादातर रेक्टेंगल यूज करता हूँ, तो ये देखिए आप मेरा माउस देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए, तो ये मैंने एक जो है सपोर्ट ड्रॉ कर दी है। इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ तो आपको जो है अच्छे से दिखाई देगा। तो हाँ, अब ठीक है, अब ओके है। तो ये देखिए, ये मैंने जो है सपोर्ट ड्रॉ कर ली है। तो ये देखिए, फर्स्ट टाइम जो है मैं यहां से चल रहा हूँ अपना 18 दिसंबर 18 से, 1 साल का मैं जो है आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, इसने जो है इसका जो है पहले ही रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया। अब मैं आपको इसमें पैटर्न बना बना के दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, इसको भी मैं जो है कलर दूसरा ले लेता हूँ और जो है थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। और दूसरा यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर इस तरह का पैटर्न बना, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर कंसोलिडेशन होता रहा, उसके बाद ये ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद जो है इसने कितना इसने मूव दिया, जितना ये रेंज होगी इसका डबल इसने मूव दिया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर भी जो है ऊपर जाकर इसने कंसोलिडेशन चालू कर दिया। तो ये देखिए, तो मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ आपको इस तरह से बनाना है, इस तरह से करना है, एनालिसिस ऐसे करनी है। तो अब ये देखिए, आपने ये देखा, ये मैंने ड्रॉ किया, ऊपर से इसने एक ट्रेंड लाइन ऊपर से बन रही है और नीचे जो है इस ट्रेंड लाइन पर ही 1 2 3 और 4 बार सपोर्ट लिया। तो 4 बार सपोर्ट लेने के बाद इसने फाइनली इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद हमारा टारगेट क्या होता है, अब ये जो रेंज बनी हुई थी, ये रेंज थी 8571 और दूसरी नीचे थी जो है 8274, नियर अबाउट 300 की रेंज थी। तो ये देखिए हमारा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो 8200 से हमको चाहिए नियर अबाउट 7800, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो 7300 बहुत ज्यादा, 3 टाइम्स हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अब इसके बाद हमको क्या करना है। अब ये देखिए, यहां पर भी इसने जो है एक सेम तरह का पैटर्न यहां पर बनाया है, बजाज फिंसर्व। ये देखिए, आपको मार्केट की मूवमेंट पकड़नी है, किसी भी स्टॉक की चाल पकड़नी है कि स्टॉक किस तरह से चाल करता है, स्टॉक में ज्यादातर किस तरह के पैटर्न बनते हैं। तो बजाज फिंसर्व और बजाज फाइनेंस जो है ये मेरे फेवरेट स्टॉक्स में से एक हैं, जिसमें से मैंने बहुत अधिक पैसा बनाया है। तो उसी के बारे में मैं आज आपको कंप्लीटली बताना बता रहा हूँ। मेरे को इस स्टॉक की चाल पता है कि ये स्टॉक किस तरह से चाल करता है, इसकी मूवमेंट पता है कि ये किस तरह से ऊपर जाता है और किस तरह से नीचे आता है, किस तरह से इसमें पैटर्न बनते हैं, मैं वो सब चीजें इसमें जो है आपको आज करके दिखा रहा हूँ। और इसके बाद देखिए, अब जो है यहाँ पर नीचे देखिए, जो मैंने हमने पीछे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखी थी, अब इसने फाइनली देखिए इसी पर आके सपोर्ट लिया। जो यहाँ पर पीछे इसका रेजिस्टेंस था, अब इसका यहाँ पर आके ये जो है सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बनने के बाद अब ये देखिए फिर ऊपर की तरफ गया। अब ऊपर की तरफ जाने के बाद ये देखिए एक हायर हाई ये है और अब हमको क्या हुआ, हमको अब एक ट्रेंड लाइन मिल गई, ये आपको दिखा रहा हूं करके मैं, यहाँ ट्रेंड लाइन मिल गई। फर्स्ट इसने ये जो है हायर या इसका ये था, उसके बाद इसने इस पर सपोर्ट दिया, फिर इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया सेकंड टाइम, फिर ये नीचे आया, रेड कैंडल बनाई, फिर ये ऊपर गया, फिर इसको टच किया। तो इससे जो है हमको, जब इस हमारे पास दो हायर हाई और दो हायर लो मिल जाते हैं तो हमको एक ट्रेंड लाइन मिल जाती है। तो हमको एक ट्रेंड लाइन मिल गई। नेक्स्ट टाइम भी देखिए, अब इसने यहाँ पर एक एक सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई है, जो कि हैमर कैंडल हमारी कंफर्मेशन बढ़ा देता है कि अब ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाने वाला है। और उसके सेकंड टाइम भी देखिए, यहाँ पर आके इसने सपोर्ट लिया, अब यहाँ पर एक बन गया डबल बॉटम, आप देख रहे हैं, एक बार यहां सपोर्ट लिया, एक बार यहां सपोर्ट लिया, तो इसको हम बोलते हैं डबल बॉटम। मैं आपको ये सब चीजें टेक्निकल एनालिसिस जो है यहां पर सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, पैटर्न को ध्यान से देखिए और जो इसमें जो पैटर्न बन रहे हैं, जो ट्रेंड लाइन बन रही है, उसको जरा ध्यान से देखते जाइए। तो यहां पर देखिए एक ये बन गया डबल बॉटम,
डबल बॉटम के बाद यहां पर जो है ट्रेंड लाइन हमारी जो ऊपर से आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन का इसने यहां पर कुछ दिनों का जो है कंसोलिडेशन हुआ। यहां पर एक पैटर्न हम और बनाते हैं, ये है हमारा एक पैटर्न और। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम यहां पर टच हुआ इस जो है रेजिस्टेंस को, इसने 5 टाइम टच किया और फाइनली इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट ये था, ये देखिए इसका डबल, मान लीजिए 7400 और ये जो रेंज बन रही थी इसकी 71, 300 पॉइंट का जो है हमारा टारगेट था। तो यहां पे देखिए अब 7400, 7400 के बाद ये जो है 8600, तो हमको तो नियर अबाउट 1200 पॉइंट, 4 टाइम्स की हमको जो है यहां पर मूवमेंट मिल गई। अब आइए अब हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं अब हमने आगे कौन सा पैटर्न बनाना है। अब देखिए आप देख रहे हैं यहां पर फिर इसने जो है एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाया है, ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये देखिए यहां पर इसने फ्लैग पैटर्न फिर बनाया है और नीचे से ये देखिए, देख रहे हैं इसका एक ये डंडा हो गया और ये झंडा हो गया, ठीक है सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं, ये डंडा हो गया और ये झंडा हो गया। तो ये देखिए अब ऊपर से जो है यहां पर इसने हायर हाई बनाया, फिर इसने हायर लो बनाया, फिर जब इसने जब हायर हाई बनाया उसके बाद फिर जब हायर लो बनाया, तो ऊपर से हमको जो है एक ट्रेंड लाइन मिल गई और नीचे से भी हमारी एक ट्रेंड लाइन बन गई। अब इसने जो है ये देखिए एक जो है इसने अपना फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाया है, फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाने के बाद इसका देखिए फिर ब्रेकआउट किया है। अब हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट होना चाहिए 7800 और इसकी जो ये रेंज है 7800 या 400 की रेंज है, तो हमारा 800 पॉइंट टारगेट होना चाहिए। तो 8200 से देखिए ये 9000 गया कि नहीं गया, 9000 तो क्या ये हाँ 9900, बड़े आराम से हमारे यहाँ पे भी टारगेट अचीव हो गया। तो अब देखिए अब ब्रेकआउट होने के बाद जो है अब नेक्स्ट टाइम ये देखिए आपको जो है स्टॉक की जो है चाल समझनी पड़ेगी, स्टॉक में देखना पड़ेगा कौन से अधिकतर पैटर्न जो है वो स्टॉक फॉलो करता है। तो यहां पर ये देखिए इसने यहां पर भी जो है एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाया, एक आप यहां पर और एनालिसिस कर सकते हैं, ये देखिए यहां नीचे से मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूं, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा, फिर आपको जो है ज्यादा अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये देखिए तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन पर ये जो है काफी टाइम इसे टच किया, 1 2 3 4 5, फाइनली 6 टाइम इसको ब्रेक कर दिया। तो यहां पर जो है हमको मूवमेंट जो मिल गई वो मूवमेंट मिली है हमको 9100 और नीचे मिली है 8800, नियर अबाउट 300 पॉइंट की हमको यहां पर मूवमेंट मिल गई। देखा जाए तो यहां पर भी एक जो है इस तरह का ये पैटर्न बना रहा था, ये देखिए तो ये 150 पॉइंट की रेंज है, तो 150 का डबल जो है 300 पॉइंट हमको यहां पर एक मूवमेंट मिल गई। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं और आपको नेक्स्ट लेके चलता हूं। अब ये देखिए अब क्या हो रहा है, अब यहां पर इसने जो है फिर एक जो है यहां पर फ्लैग टाइप का पैटर्न बना दिया है, ये देखिए यहां फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाया है, फ्लैग टाइप का पैटर्न उसका फिर यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है आप देख रहे हैं फ्लैग टाइप का पैटर्न यहां पर फिर बना। अब देखिए यहां पर कितनी बार फ्लैग टाइप के पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, वन ये जो बजाज फिंसर्व है ज्यादातर फ्लैग टाइप के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 1 2 3 यहाँ 4 ये 5, तो 5 टाइम्स जो है यहां पर ये पैटर्न बन चुका है। अब जो है इसमें पैटर्न जो है निकल के आ रहा है, ये देखिए आपको सबसे पहले तो आपको अपनी आंखें ट्रेंड करनी पड़ेंगी किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करने के लिए। तो यहां देखिए ये भी एक जो है अब यहां पर फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है। तो अब इसने जो है मैं आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम लेके चलता हूं, यहां यहीं से लेके चलेंगे और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए अब हम जो है लॉन्ग टाइम लेके चल रहे हैं, तो यहां पर ये देखिए जो मैंने यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, अब ये यहां पर रेजिस्टेंस लेना चालू कर रहा है और जो है कल इसने देखिए एक बियरिश एंगल्फिंग टाइप की पैटर्न कैंडल बनाई है। तो अब हम वेट करेंगे, अभी हमने इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, अब हम इसमें ट्रेड लेंगे अब अगर ये अपना ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, मेरे कहने का मतलब है कि ये अगर 9430 रुपए के ऊपर क्रॉस करता है, सॉरी 9530 रुपए के ऊपर क्रॉस करता है तो हम इसमें बाई साइड के लिए जाएंगे, और अगर ये कल के लो को ब्रेक करता है 9324 रुपए को तो हम इसमें जो है शॉर्ट साइड की तरफ जाएंगे। तो ये चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्टॉक में जो है उसमें
उस वो जो है किस तरह की मूवमेंट देता है, हमको उसकी चाल पकड़नी होती है, हमको उसकी नब्ज पकड़नी होती है। तो मैंने आपको बजाज फिंजर में जो है टेक्निकल एनालिसिस करके बताया कि किसी भी स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। अब मैं ये ट्रेंड लाइन वगैरह जो है आपको डिलीट कर देता हूं और मैं आपको इसमें कुछ सपोर्ट वगैरह ड्रॉ करके दिखा देता हूं, जिससे आपको पिक्चर जो है ज्यादा क्लियर हो जाया करेगी। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, एक सॉरी ये मैं रेजिस्टेंस को उठा के यहां पर रख रहा हूं। देखिए देखिए, हमको किसी भी स्टॉक के ब्रेकआउट को देखने के लिए हमको कम से कम 3 से 4 कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो हमको जो है एक कंफर्मेशन पर ट्रेड नहीं लेना है। और सबसे पहली बात यह है कि हमको जो है ट्रेंड लाइन पे या फिर सिर्फ एक सपोर्ट के भरोसे हमको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि देखिए पैसा आपका है और जो है बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो इसलिए इसी का ध्यान रखें, मल्टी कंफर्मेशन होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक तो देखिए यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, सेकंड जो है यहां पर जो है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का यहां पर ब्रेकआउट हुआ। तो यहां पर डबल ब्रेकआउट होने के बाद प्लस हम इसमें कभी भी वॉल्यूम भी ऐड कर लेते हैं, अगर हमको ये 2 से 3 कंफर्मेशन मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ कितना शानदार ब्रेकआउट रहा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको किसी भी स्टॉक में एनालिसिस करनी है। ये बजाज फिंसर्व का एनालिसिस था और इसमें मैंने आपको बताया कि 9530 के ऊपर निकलेगा तब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, इंट्राडे या पोजीशन बना सकते हैं, या फिर 9325 रुपए के नीचे जब जाता है तब हम इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज अभी हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो अभी हम पीछे भी अगर देखना चाहें तो पीछे मैं आपको करके दिखा देता हूं, ये देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया ना मल्टी कंफर्मेशन चाहिए। तो ये देखिए जैसे एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, और सेकंड जो है यहां पर रेजिस्टेंस है। तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और सेकंड जो है ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। तो इस तरह के आपको ट्रेड ढूंढने हैं जहां पर ये दो ब्रेकआउट सेम टाइम में होते हैं। सिर्फ एक ब्रेकआउट पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वो ब्रेकआउट कई बार फेक हो जाता है और वो तुरंत ऊपर एक कैंडल आपको ग्रीन दिखाएगा और सेकंड कैंडल जो है रेड दिखाने के बाद जो है बहुत तेजी से गिरावट उस स्टॉक में हो जाती है, कई बार स्टॉक मैनिपुलेट भी हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, इन सब चीजों को ध्यान रखकर कभी भी ट्रेड करना है। अदरवाइज जो है अगर आपको इस तरह के पैटर्न नहीं मिलते हैं तो आप ट्रेड मत करिए। जो है पैसा जो है जरूरी नहीं है कि हमको हर टाइम जो है मार्केट में जंप कर जाना है। जहां पर ट्रेड बनता है, जहां पर ऐसा सैनैरियो बनता है वहां पर ट्रेड लीजिए, अदरवाइज ट्रेड को जो है क्विट करिए। और सेकंड मैं जो है अब आपको करके दिखाता हूं बजाज फाइनेंस के बारे में। ये देखिए अब मैं बजाज फाइनेंस का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, इसको मैं वन डे कर देता हूं। तो ये देखिए अब मैं बजाज फाइनेंस का भी आपको मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम इसको ले लेते हैं, कितना लें, चलो हम इसको भी 1 साल का टाइम पीरियड ले लेते हैं। तो हाँ अब देखिए मैं आपको यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं, यहां नीचे से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, सॉरी ये क्या हो गया। ये देखिए ये लॉन्ग टाइम ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। और यहां पर ये देखिए अब मैं आपको कुछ सपोर्ट वगैरह भी ड्रॉ करके साथ साथ दिखाते जाऊंगा, जिससे आपको पिक्चर जाए क्लियर होती जाएगी। जो है मैं आपको फर्स्ट ब्रेकआउट पहले दिखा देता हूं, ये देखिए यहां से जो हम 1 साल का लेके चल रहे हैं, अक्टूबर से लेके चल रहे हैं, हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। तो ये देखिए यहां पर एक जो है रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये देखिए सीधा बूम, ठीक है। अब आइए अब आगे चलते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा, जिससे आपको जो है अपने स्टॉक को एनालिसिस करने में काफी मदद मिलेगी, काफी जो है हेल्प मिलेगी। तो ये देखिए अब जो है यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अब एक इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है। ये देखिए ट्रेंड लाइन कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, उसी का जरा ध्यान रखिएगा। और नीचे से भी जो है एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये एक चैनल में चल रहा था काफी दिनों से, ये नियर अबाउट 21 मई से लेकर के जो है जुलाई, नियर अबाउट 1 महीने तक जो है बजाज फाइनेंस जो है एक चैनल में चला है। चैनल में चलने के बाद ये देखिए ये जो एक शार्प ब्रेकआउट इसने दिया है, शार्प ब्रेकआउट देने के बाद ये देखिए इसको रीटेस्ट करने के लिए ये जो है कितने पर गया है, 3600 के लेवल पर गया है।
तो रीटेस्ट करने के बाद उसके बाद फिर इसने जो है अपना ट्रेड जो है कंटिन्यू रखा है। अब देखिए, अब हम इसमें आइए आगे चलते हैं। अब इसमें जो है एक ये देखिए यहां पर एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है, चैनल टाइप का पैटर्न जिसको हम कह सकते हैं। ये देखिए ये एक पैटर्न बना, मैं इसको यहां से टच कर देता हूं। ये एक पैटर्न बना, इस पैटर्न के बाद फिर क्योंकि ट्रेड जो है हमारा डाउन ट्रेड में आ चुका है, तो इसी का ध्यान रखना है कि हमने कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर वो अप ट्रेंड में है तो हमने उसमें सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना है, और अगर स्टॉक कोई भी डाउन ट्रेंड में है तो हमने उसमें अप साइड का ट्रेड नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए यहां पर भी जो एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना, ये डंडा और ये झंडा, तो इस जो है फ्लैग टाइप का पैटर्न जो है ये बना, इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये देखिए इस ट्रेंड लाइन पर जो हमने पीछे से ड्रॉ करके रखी हुई थी, जो लॉन्ग टाइम ट्रेंड लाइन हमारी चल रही है, तो इस पर जो है ये काफी दिन से फिर कंसोलिडेशन करने लगा। अब उसके बाद जो है जब ये कंसोलिडेशन जोन से निकला है तो हमको यहां पर एक सपोर्ट मिल रहा है, ये देखिए रेजिस्टेंस मिल रहा है। आप ध्यान से देखते जाइएगा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जो इससे आपको सीखने में काफी मदद मिलेगी। तो ये देखिए जो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद जब ये रीटेस्ट करने गया था तो इसका एक ये लोअर हाई बना था। लोअर हाई बनने के बाद इसने जो है इसी जो है हमारी जो लॉन्ग टाइम की जो है ट्रेंड लाइन है तो उस पर सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद फिर जो है ये जहां पर इसने जी पिछली बार से ये मुड़ा था, दूसरी बार फिर एग्जैक्ट वहीं से मुड़ा है। तो जब अब हमको ये दो लोअर हाई मिल चुके हैं, तो दो लोअर हाई मिलने के बाद हमको जो है ऊपर एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का सिनेरियो हमको दिख गया। फिर जब ये देखिए यहां पर जब ये ट्रेंड लाइन पर फिर आया है, तो यहां पर जो इसने कैंडल बनाई है, ये कैंडल देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, हैमर कैंडल, हैमर कैंडल और एक ये बनी हुई है बुलिश एंगल्फिंग, ये दो कैंडल बहुत जबरदस्त होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं। जब जब ये कैंडल मार्केट में बनती हैं तब तक जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और जब जब जो है ऊपर से इस तरह की कैंडले बनती हैं, जैसे एक देखिए ये बुलिश एंगल्फिंग हो गया, इस तरह की कैंडले जब बनती हैं तो मार्केट जो है अधिकतर डाउन साइड में चल पड़ता है। तो यहां पर ये देखिए इसने जो है इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने के बाद एक हैमर कैंडल बनाई है, और हैमर कैंडल बनाने के बाद इसी अपने रेजिस्टेंस पर देखिए कितने दिनों से, काफी दिनों से ये जो है सस्टेन करता रहा, फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट भी देखिए कितना शानदार दिया है, 3400 रुपये से इसने डायरेक्ट 2 दिनों के अंदर 4000 का लेवल दिखा दिया। कहने का मतलब है 600 रुपये हमको 2 दिन में, 600 पॉइंट 2 दिन में बजाज फाइनेंस ने हमको दिखा दिया था। अब आइए अब आगे चलते हैं, आगे की एनालिसिस करते हैं हम। तो अब यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए एक ट्रेंड मैंने ये ड्रॉ कर दी है, और सेकंड देखिए एक यहां पर जो है यहां पे इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। तो अब देखिए ये हो गया डंडा, ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ये हो गया डंडा, ये हो गया डंडा और ये हो गया झंडा। तो मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूं। तो अब आइए अब देखिए अब हम आगे चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। यहां देखिए अब यहां पर इसने जो है फिर एक चैनल में ये चल पड़ा है, तो हमको देखिए 1 और 2, जब ये 2 टाइम्स एक ही जगह पे हायर हाई या हायर लो बनाता है तो वहां पर हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। यहां पर भी 1 और 2 टाइम्स, जब 2 टाइम्स हमको मिल गया तो यहां पर हमारी ट्रेंड लाइन चालू हो गई। उसके बाद से भी फिर जो है जब जब इस ट्रेंड लाइन पर आएगा तब तब हम इसमें मौके के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम इसमें बाइंग बनाएंगे, और जब ये अपर जो है ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो हम जो है कंफर्मेशन देखते हुए, जैसे यहां पर कंफर्मेशन ये देखिए ये जो रेड वाली आप देख रहे हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, तो मतलब इस तरह के कुछ 2-3 कंफर्मेशन देखते हुए हम इसमें सेल साइड के ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए अब इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने का सेकंड चीज हमको ये ध्यान रखनी है, हमको जो है मार्केट में अर्ली जंप जंप नहीं करना है, हमने जो है जब ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने का चाहे वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो चाहे वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो, हमने उसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ऊपर अगर जब ब्रेकआउट हुआ है तो वहां पर रजिस्टेंस कहाँ पर है, कहीं उसके इर्द गिर्द रजिस्टेंस तो नहीं है, या फिर जब ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो हमने नीचे की तरफ ध्यान रखना है कि सपोर्ट कहां पर है। अब इसमें आप मेरे को बताइए कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ क्यों गया, जबकि इसमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, ये स्टॉक ऊपर की तरफ क्यों गया? क्या आप अभी इसमें चार्ट को देखकर बता सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ क्यों गया जब इसका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हुआ था?
चलिए मैं आपको बताता हूं, ये देखिए यहां पर जो है एक सपोर्ट है, इसको मैं थोड़ा पीछे तक लेके चल जाता हूं, आपको और अच्छे से पता रहेगा। तो ये देखिए जब ये ब्रेकआउट हुआ था, तो ब्रेकआउट होने के बाद इसने फर्स्ट टाइम जो है यहां पर सपोर्ट लिया था। आप ये देखिए, ये जो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल, एक ये देखिए, एक हमारा ये असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न भी बना हुआ है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है कि ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही होती है, वो होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो यहां पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी एक बन रहा है। तो ये जब ब्रेकआउट हुआ था, तो ब्रेकआउट होने के बाद देखिए फर्स्ट टाइम इसने यहीं पर सपोर्ट लिया था। तो इसी सपोर्ट पे जब यहां पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, तो फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद इसने यहीं पर एक सपोर्ट लिया है। और ये कैंडल आप देखिए, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए एक ये हैमर कैंडल, ये जो हैमर कैंडल, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर अभी पहले बताया था कि हैमर कैंडल एक बहुत पावरफुल कैंडल होता है। अगर ऐसा नहीं है कि मार्केट चल रही है और मार्केट चलने के बीच में कहीं पर भी इस तरह का हैमर कैंडल बन गया तो आप उसमें जंप कर जाइए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। किसी भी कैंडल को हमने जो है, जो हमारी मेन कैंडले होती हैं, जैसे हैमर हो गई, बुलिश एंगल्फिंग हो गई, या पायरिसिंग हो गई, या रेलवे ट्रैक पैटर्न हो गई, किसी भी तरह के अगर कैंडल को आप फॉलो करते हैं, तो उसको ऑलवेज जो है फॉलो दैट ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उन कैंडल को सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर फॉलो करिए, अदरवाइज जो है आपको लॉस देखना पड़ जाएगा। अब देखिए हमको यहां पर सपोर्ट पर ये हैमर कैंडल मिली है, हैमर कैंडल मिलने के बाद हमारा जो है ये ट्रेड ऊपर की तरफ निकल पड़ा है। तो अब ये देखिए ऊपर से ये अब जो है नीचे की तरफ आने की तैयारी में है, तो मैं आपको इसका कारण भी बता देता हूं। तो ये देखिए यहां पर जो है इसका जो है एक रेजिस्टेंस है, आप देख रहे हैं, अब मैं ये देखिए ये रेजिस्टेंस है। तो अब रेजिस्टेंस पे देखिए इसने जो है बीरिश कैंडल यहां पर बना दी है। अब ये देख रहे हैं कि ऊपर से ये स्टॉक जो है 42-39 से चलते हुए ये गया नियर अबाउट 4300 रुपये तक गया, बट 4300 रुपये पर सेलर जो है एक्टिवेट हो गए और उन्होंने जो है ये देखिए कितना सेलिंग प्रेशर आ गया, यहां से आप देख रहे हैं यहां से कितना सेलिंग प्रेशर आ गया और जो है क्लोजिंग इसकी आई 42-48 रुपये पर। इसलिए जो है हमको कल के सेशन में इसमें जो है डाउनफॉल देखने को मिला है। अब अगर इसमें सेलर अगर कंटिन्यू इसमें एक्टिवेट रहे, तो अगर फिर इसमें हम जो है अगला लेवल जो हम देख सकते हैं, वो देख सकते हैं नियर अबाउट 4100 रुपये का। तो ध्यान रहे अब हमको कल की डेट में क्या करना है, अगर एक 4174 रुपये का लेवल तोड़ता है तो इंट्राडे के लिए हमारा इसमें 4130 रुपये का टारगेट रहेगा। तो सेकेंडली एक बात ध्यान इसमें रखिएगा कि इसमें अभी बाइंग पोजिशन बिल्कुल मत बनाइएगा, बाइंग पोजिशन इसमें जो है सिर्फ 4300-4300 रुपीज के ऊपर ही बनाइएगा, अदरवाइज इसमें बाइंग की तरफ अभी बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल अभी रेजिस्टेंस पर जो है रेजिस्टेंस ले रहा है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर हावी है, तो इसलिए जो है इसमें अभी बाइंग पोजिशन बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को जो मैंने ये एनालिसिस करके बताई है ये आपको समझ आ गई होगी। एक मैं यहां से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं, देखिए अपनी आंखों को इतना ट्रेंड बनाइए। अब ये देखिए ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी इसको हम डिलीट कर देते हैं, देखिए इसी इसी ट्रेंड लाइन पे जो है ये सपोर्ट लेगा। ये देखिए जो ट्रेंड लाइन हमने यहां से ड्रॉ करी है, देखिए कंटिन्यू इसी पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन मतलब कितनी पावरफुल है। तो जो है आप अपने स्टॉक को जो है कंटिन्यू एनालिसिस करिए, सेल्फ स्टडी करिए, किसी के बहकावे में मत आइए, कोई कोई जरूरत नहीं है किसी को 50,000-1,00,000 रुपए देने की या फिर कोई सेमिनार वगैरह ज्वाइन करने की। मैं आपको यहां पर इस चैनल के माध्यम से हर चीजें बताऊंगा, सभी स्टॉक के एनालिसिस करके बताऊंगा। आपने सिर्फ स्टॉक में मूवमेंट पकड़नी है कि वो स्टॉक किस तरह के पैटर्न ज्यादा फॉलो करता है, ठीक है, आपने ये चीजें देखनी है कि स्टॉक जो है किस तरह के पैटर्न जो है ज्यादा फॉलो करता है, आपने जो है उसी तरह से काम करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, देखिए आप अपनी एक वॉच लिस्ट बनाइए, उस वॉच लिस्ट में आप सिर्फ 10 स्टॉक्स रखिए, अपना निफ्टी 50 के 10 स्टॉक्स को ऐड करके रखिए और कंटिन्यू आप उस पर 2 महीना ट्रेड करिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपको उन 10 स्टॉक में जो चाल होती है वो पता चल जाएगी, उनके सपोर्ट पता चल जाएंगे, उनके रेजिस्टेंस पता चल जाएंगे,
इससे जो है आपको जो है चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बता सकते हैं कि अगर अभी मान लो बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो है 3,000 रुपये पे चल रहा है तो इसका अगला रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा, ऐसी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकेंडली जो है आप डेली जो है 1 से 2 घंटे कंटिन्यू अपने चार्ट पर प्रैक्टिस करिए, पैटर्न ढूंढिए, अपनी आंखों को इतना ट्रेंड कर लीजिए कि आपको चार्ट देखते ही उसमें पैटर्न पता चल जाए कि उसमें असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, कि उसमें डबल टॉप बन रहा है कि डबल बॉटम बन रहा है, कि उसमें कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है कि उसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो इस तरह से अपनी आंखों को ट्रेंड करिए, ठीक है ना। जब आपकी आंखें जो है बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगी फिर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आपको यहां पर भी एक दिखा दूं, यहां पर भी देखिए एक ये चैनल बन रहा है, शायद आपने गौर नहीं किया होगा, तो ये देखिए यहां देखिए एक चैनल यहां पर बन रहा है, ये जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए। अब देखिए अब इसमें हमको मल्टी कंफर्मेशन कैसे मिला कि हमने यहां पर जो है सेल करना है, ये देखिए। एक तो फर्स्ट हमको यहां पर इसका रेजिस्टेंस मिला जो यहां पर हमने ऊपर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके रखी हुई है, एक तो हमको इसका रेजिस्टेंस मिला। सेकेंडली ये जो कैंडल हमको मिल गई, दूसरा काम हमारा इसने कर दिया सेकंड कंफर्मेशन का, ठीक है। और थर्ड जो है इसका ये देखिए ब्रेकआउट हो चुका है, इस जो है चैनल जो बना हुआ था इस चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि इसमें अभी बाइंग की तरफ बिल्कुल मत देखिए, इसमें अभी शॉर्ट की तरफ ही देखिएगा। बाइंग की तरफ हमने इसमें सिर्फ जो है सिर्फ 4,300 रुपए के ऊपर देखना है। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो आपको बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर्व की एनालिसिस करके बताई है ये आपको पसंद आई होगी। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइए कि आपको कौन से स्टॉक पर जो है एनालिसिस चाहिए, और जो है मतलब मैं उन स्टॉक्स पर आपको जो है एनालिसिस करके बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा, उससे जो है पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी, आपको चीजें ज्यादा समझ आएंगी। और सेकेंडली जो है आप जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मन परफेक्ट, जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीजें जो है आपको आसान लगने लग जाएंगी। सेकंड जो है मेरा एक टेलीग्राम चैनल है एंजल टेक एनालिसिस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, तो उस पर भी जो है मैं अपने चार्ट वगैरह जो है उस पर एनालिसिस करता रहता हूँ और जो है वहां पर पोस्ट करता रहता हूँ। वहां पर मैं कुछ इंट्राडे की कॉल देता हूँ, वहां पर कुछ जो है मैं पोजिशनल कॉल्स भी देता रहता हूँ, तो वहां से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। और जो है मतलब चार्ट को ड्रॉ करने में कि आप चार्ट जो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या मेरे चार्ट चार्ट को आप देखकर उसमें से कुछ जो है सीख सकते हैं कि मतलब ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे ड्रॉ होती है, सपोर्ट लाइन वगैरह कैसे ड्रॉ होती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने फ्री सर्विस चालू की हुई है, जैसे कि मतलब आप डेडिकेटेड हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जो है अपने चार्ट मुझे पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने चार्ट एनालिसिस कर ली, अब आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मेरा चार्ट जो है मैंने एनालिसिस जो इसमें ड्रॉइंग की है वो सही है या गलत है, तो आपको जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप वो चार्ट जो है मेरे को मेल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9878137600 पर सेंड कर सकते हैं। वो चार्ट मैं देखूंगा, अगर उसमें मेरे को चार्ट में कोई गलती लगी तो वो चार्ट जो है मैं इंप्रूवमेंट करके आपको दोबारा सेंड करूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपको अपनी गलती पता चलती रहेगी और आप आगे के लिए सुधार करते रहेंगे। बाकी मेरे दोस्तों से चैनल है, जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं आपके लिए ऐसे ही जो है एजुकेशनल वीडियो कंटिन्यू लाता रहूंगा। थैंक यू।